लुधियाना पुलिस ने क्रिकेट मैचों में सट्टा लगाने वाले ग्रोह का भंडाफोड़ करते हुए इसके 4 सदस्यों को काबू किया है, जबकि 5वां आरोपी फरार बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर ADCP रतन सिंह ब्राण ने बताया कि आरोपियों को एक गुप्त सूचना के आधार पर रांची कॉलोनी 3K रोड लुधियाना से काबू किया गया है, जिनसे अलग अलग कंपनियों के 12 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 2 हॉटस्पॉट, 1 LCD व सेट टॉप बॉक्स बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य चल रही एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के मैच में सट्टा लगाने के लिए बोली लगा रहे थे। ADCP ब्राड ने बताया कि आरोपियों पर पहले भी मामले दर्ज है और इस मामले की जांच अभी जारी है। इन अलग अलग न्यूज़ ने हम दसन जा रहे हैं, पहली हैगी है जेडे क्रिकेट मैच है उदे विच जेडे सट्टा लाउंदे ने बुकीज ने, वो असी अरेस्ट किए हैं। 4 बुकीज जेडे अरेस्ट हो गए हैं, उन्होंने तो लैपटॉप और मोबाइल वगैरह रिकवर हो चुके हैं, और एक है उन्होंने सोनू जेड़ा जेड़ा मेन उन्होंने मोबाइल लाइन लैके दिता सी, वो हले जेड़ा एब्सकॉन्डर है और उन्होंने जल्दी जेड़ा असी अरेस्ट कर लवेंगे। दूसरी जी न्यूज़ है वो है अपना स्नैचर ने मोबाइल स्नैचर ये मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सिज इंग्लैंड मैच चल रहा है और 24/6 नू मैच सीगा, इन्हां नू 1.5-2 साल करीब हो चुके हैं जिन्हें ये काम कर रहे हैं। इन्हां दे उत्ते पहला भी पर्चा जिहड़ा हैगा है, इन्हां दे पहला भी केस रजिस्टर हैगे ने। पहचान एज ए बुकी ने जिहड़े इन्हां दे नाम प्रेस नोट दे विच तुहानू सी दित्ते होए ने। एक हले तक कोई इदा दी गल नहीं हैगी कि कोई होर नाल होवे, पर जे अगे कोई सामने आएगा इन्वेस्टिगेशन दा फिर उसनू असी रिकवरी। लैपटॉप ने और मोबाइल फोन ने, सिम कार्ड नहीं, कैश नहीं, ये डिफरेंट है, वो अलग कहेंगे अलग है। ये 4 हैगे जिहड़े अरेस्ट हो चुके हैं, एक बंदा है जो अरेस्ट होना हले बाकी। पहला होया लुधियाना से जागृति लहर के लिए सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।